हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको नारियल की चटनी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से, जो कि आप बिल्कुल इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। तो वैसे भी हम डोसा वगैरह कभी भी बनाते हैं घर पे, तो हमें बहुत अच्छी लगती है नारियल की चटनी, स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाते हैं नारियल की चटनी, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हमें मिक्सी का जार ले लेना है और मीडियम जार लेना है हमें। तो उसमें हमें नारियल के छोटे छोटे पीस करने लेने हैं, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं होना चाहिए क्योंकि कटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मतलब 1 स्पून के करीब आपको इसमें चीनी ऐड करनी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा दही ऐड करना है, हल्का सा चने ऐड करने हैं, और अगर आपके पास मूंगफली के दाने हैं तो उसको भी हल्का सा भूंज के आप इसमें डाल सकते हो, हरी मिर्ची डाल सकते हो, हरी मिर्ची तो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद हरा धनिया अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, स्किप करना चाहते हैं तो उसे भी स्किप कर दीजिए। उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। तो तड़के में सबसे पहले राई, थोड़ी सी हींग और जो लाल मिर्ची डाली उसको ले लेंगे, 2 या 3 जितना आप डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ होती है कड़ी पत्ते, तो कड़ी पत्ते हमें बहुत ज़रूरी होते हैं डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारी नारियल की चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।